बिजनेस फाइनेंस फॉर क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स यस दिस इज़ ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आप कहते तो सर इसको समझना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बिज़नेस के बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ कहानी शुरू होती है, है बिजनेस फाइनेंस की एक ऐसा फाइनेंस जो बिजनेस को रूल आउट करेगा जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को प्रोसेस करेगा आपने कहा सर हम इस चैप्टर को कहाँ से शुरू करते हैं और इस चैप्टर का बैक बोन क्या है येस इन टूडे क्लास विल गोइंग टू डिस्कस द बैक बोन ऑफ बिजनेस फाइनेंस सर so, earlier इट was known as टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाउ इट इज़ business बिजनेस फाइनेंस तो आपको समझना जरूरी है कि ये बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट तीन चीज़ों पर बेस करता है यस दिस इज एंटायरली बायस ऑन द थ्री फैक्टर्स से तीनों फैक्टर्स हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं ये फाइनेंशियल डिसीजनस क्या होते हैं दीज आर इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंट डिस आई रिपीट इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंट डिसीजन सर जब आप बात करते हो इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट वहाँ की जाती है जहाँ रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा हो हर आदमी वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है प्रैक्टिकली मैं आपकी बात करता हूँ यू डू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है डेफिनेटली यू गोइंग टू गिव द टाइम ऑफ दैट वीडियो की सर ये समझ में आ रहा है यस आई एम गेटिंग द पॉइंट्स सेम ही विद द स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स कुछ अलग नहीं है इनको शेयर होल्डर्स ही बोलते हैं ये लोग वहां पर पैसा लगाते हैं जहां पर इनको रिटर्न अच्छा होता है डेफिनेटली गेट द रिटर्न अभी रिटर्न दो तरह से मिल सकता है सर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है मार्केट आपने मार्केट पढ़ी है कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट और शॉर्ट टर्म मार्केट जिसे आप बोलते हो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट क्या है उसके कॉन्सेप्ट को वहां डिस्कस करेंगे फिलहाल हम बात करें कि मार्केट को समझना पैसे को इन्वेस्ट करें मार्केट में तो उसके दो कॉन्सेप्ट क्लियर मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ वेयर टू इन्वेस्ट वेदर इट्स अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म इसको क्लियर करेंगे अगले पॉइंट पर जो मेरे को डिफाइन करता है कैपिटल बजटिंग से पेपर में कंफर्म आता है कैपिटल बजटिंग यू नीड टू क्लियर व्हाट डज मीन बाय कैपिटल बजटिंग क्या है कैपिटल बजटिंग काम कैसे करती है कैपिटल बजटिंग इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट थ्रू आउट इट्स एंट लाइफ साइकिल एक प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा उस प्रोजेक्ट की पूरी बजटिंग करना इट्स सेम लाइक द बजट दैट वी हैव इन आर फैमिली रिगार्डिंग अ सर्टन इवेंट घर पे कोई मैरिज या कोई फंक्शन है तो उसकी बजटिंग की जाती तो सेम इन अ बिजनेस हम जब कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं हम किसी प्रोजेक्ट को डील करते हैं उस प्रोजेक्ट में थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोजेक्ट कितना पैसा लगना है जब स्कोप प्लान जाता है हम बोलते हैं दिस इज नॉट एसवे कैपिटल बजटिंग आई होप यू गेट द पॉइंट नाउ तो यहां पॉइंट पूरा क्लियर होना जरूरी कि कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस है जो किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर उसके पूरे लाइफ साइकिल में लगने वाले पैसे को डिसाइड करता है दैट इज नॉट एज कैपिटल बजटिंग कम टू द मेजर पॉइंट दैट इज इजैक्ट अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग सर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नंबर वन कैश फ्लो इसको बोलूं मैं कैश फ्लो ऑफ द फॉर्म तो कुछ गलत नहीं है इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ कैश इन योर हैंड और आपके पास तो पैसा नहीं आ रहा तो आप लगाओगे कैसे पैसा लगाने के लिए पैसा आना चाहिए इफ यू हैव द फ्लो ऑफ द मनी डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट एनी वे बट आपके पास फ्लो ही नहीं है कैसे का। और जब कैश का फ्लो नहीं है तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे नहीं कर सकते पैसा नहीं है हमारे पास तो पहला देखना पड़ेगा आपको कैश फ्लो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर किसी भी कैपिटल बजरी में सबसे पहला फैक्टर होता है कैश फ्लो ऑफ द कंपनी और द फार्म नंबर टू द रेट ऑफ रिटर्न सब पैसा लगाने पे कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है इफ आई एम गेटिंग अ मोर रिटर्न मैं पैसा ज्यादा लगाऊंगा रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम आ रहा है और पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है दि इज नो यूज टू इन्वेस्ट मनी ऑन दैट टाइम आप बोल रहे हो बिजनेस एक्टिविटी एक बिजनेस मैन की तरह सोचो बिजनेस मैन वहाँ पैसा लगाता है जहाँ उसको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होता है लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा आपको आर यू डोंट गेट दैट रेट ऑफ रिटर्न दैट मच और रेट रिटर्न यू बीन एक्सपेक्टिंग तो आप पैसा वहाँ नहीं लगाओगे फर्स्ट पॉइंट कैश फ्लो सेकेंड द रेट ऑफ रिटर्न थर्ड द इन्वेस्टमेंट क्रिटेरिया इन्वॉल्व दिस इज वेरी इन्वॉल्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसमें मुझे काफी सारी चीजें देखनी होगी मुझे गवर्नमेंट के प्लान्स को क्लियर करना होगा मुझे कंपटीशन को देखना होगा मुझे मार्केट की फ्लक्चुएशन को देखना होगा मुझे देखना होगा कि सीनारियो क्या चल रहा है ये होता है इन्वेस्टमेंट क्रटेरिया कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसके सारे लूप चेक कर लोगे वी नीड टू क्लियर ऑल द लूप होल्स क्या है कैसे हैं कैसे काम करेंगे करने का तरीका क्या बेसिक फॉलो अपना होंगे सारी चीज़ें आपको ऑन टेपी जब ये सारी चीज़ें ऑन टेप करोगे आप बड़ा आराम से चीज़ों को क्लियर करोगे एंड दिस डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट सो दिस इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग क्या है आई होप समझ में आ गया होगा अब कैपिटल बजटिंग को जो चीज एफेक्ट करती है वो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए नंबर वन दैट इज कैश फ्लो आपने कहा कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है द रेट ऑफ इंटरन जो रिटर्न मेरे पास आ रही है उस पर मैटर करेगा एंड द इन्वेस्टमेंट क्रिटेरिया चलो यार आगे आते हैं हमारे पास दैट इज इज फाइनेंसिंग अगेन दिस वन द मोस्ट पॉइंट सर फाइनेंस करना है से इन्वेस्ट नहीं करना फाइनेंस करना है। अब फाइनेंस कहां से आएगा सर फाइनेंस दो तरह का होता है एक तो शेयर होल्डर्स कैपिटल दूसरी बोरोड कैपिटल शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्हीं से पैसा लिया जाएगा बार बार उन्हीं से पैसा ले रहे हैं ओसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं बट द सेकेंड हाफ इफ वी डोंट हैव द मनी वी डोंट हैव द शेयर द शेयर होल्डर्स नॉट हैविंग दैट मनी नाउ दे हैव टू बोरो फ्रॉम द अदर मार्केट अदर फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे आप बोलते सर हम बैलेंस शीट बनाते हैं वहां शेयर होल्डर मनी अलग होती है और डिबेंचर होता है डिपेंडे पार्ट लोन सर जो बोरो किया था पास है हाँ ये वही है दैट्स ए फाइनेंशियल डिसीजन तो अब तो फाइनेंशियन डिसीजन इट्स ऑल अबाउट द क्वेंटम दैट रियल इम्पॉर्टेंट द क्वेंटम फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस सर याद रखना जब भी आप फाइनेंस की बात करते हो तो आप लॉन्ग टर्म्स की बात करते हो शॉर्ट टर्म्स की बात नहीं करते मुझे पैसा चाहिए काम के लिए तो मैं लॉन्ग टर्म्स की बात करूँगा टू शॉर्ट टर्म डील्स शॉर्ट टर्म मुझे हेल्प नहीं करेगा बिजनेस को तो कल पैसे मांगने आ जाएंगे बिजनेस कर रहे हो तो यू नीड टू हैव दैट मनी जिसको आप इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट करने के बाद आपको पैसा चाहिए सर इन्वेस्ट करना है लेकिन अभी मुझे फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस लॉन्ग टर्म में डील किया जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसियन डिसीजन नंबर वन कॉस्ट अगेन सर कितनी कॉस्ट आ गई ऑनेस्टली जहां पे हम काम करें पैसा चाहिए फंड चाहिए तो उस उसमें कितनी कॉस्ट लगी उस पर काम करना होगा नंबर टू रिस्क रिस्क कितना इन्वॉल्व है the more the risk the less of the project going to be implemented very soon so i do say risk jitna bada logo hote project ke implementation chances kam ho jayenge pehla cost dusra risk tisra fluctuation cost market float kar rahi hai nahi kar rahi sab market mein kitna variation chal raha hai उसको देखना पड़ेगा। ये हमें कौन बताएगा? हमें fluctuation cost बताएगी। come to the next one cash flow position of the company company की cash flow position कैसी है? सर कंपनी के पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा इफ कंपनी इज गेटिंग द मनी नहीं सीरियस फिर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है वो बट आराम से डील कर लेगी बट कंपनी इज नॉट गेटिंग द मनी हाउ यू गोइंग टू डील विद इट तो आपका पॉइंट यहां बहुत क्लियर हो जाता है कि आप चीजों कैसे हाईलाइट करोगे हाउ यू गोइंग टू डील विद इट तो कैश फ्लो ऑफ द कंपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के भैया इतने पैसे लगने नहीं है दिस मच ओ अमाउंट सीरियज वी हैव टू हैव इट इतना पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए और अगर इतना पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी जिसको आपको डील करना पड़ेगा so point, Then, जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हो ना कोई फाइनेंस करता है और आपके इक्विटीज में फाइनेंस कर रहा है तो कंसिडेशन उसके हाथ में जाएगा फिर फिर डिसीजन आप नहीं फिर वो लेगा क्योंकि अगर उसकी शेयर आपसे ज्यादा हो गया कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा इनपुट क्रिएट कर रहा है तो डिसीजन की पावर भी उसके पास जाएगी सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप दिमाग से नहीं हटा सकते कंट्रोल कंसिडेशन एंड देन द नेक्स्ट वन ये वी हैव द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट की स्टेट चल रही है सर कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट यस कैपिटल मार्केट मीन लॉन्ग टर्म मार्केट अब उसका स्टेट क्या चल रहा है आपको उसको देखना पड़ेगा यू नीड टू सी इट क्या है कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं काम क्या है चीज़ें कैसे क्लियर करोगे सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड वाई डीलिंग विथ फाइनेंसिंग डिसीजन चलो सर अगले पॉइंट पे आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंट डिस पहले डिविडेंट की बात कर लेते हैं वॉट इज डिविडेंट सर थर्ड पॉइंट तो आपने बताया डिविडेंट डिविडेंड क्या है प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप एकदम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते टाइम टू टाइम आप अपने स्टेक होल्डर्स में क्या करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो दैट इज डिविडेंट सर इट इज अ रिटेन अर्निंग आई रिपीट सर रिटेन अर्निंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट ऑज बीन रिटेन बाई द कंपनी एंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शर्डर्स एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम्स जैसे आप कंपनी में अपनी पूरी चीजों को क्लियर कर देते हो दैट इज रिटेन अर्निंग तो आई होप यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न अर्निंग क्या है चलो यार रिटर्न अर्निंग को हम डिविडेंट कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंट डिस बहुत इंपॉर्टेंट है रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिटेन अर्निंग या डिविडेंड क्या हो इसके फैक्टर्स कौन से जो हमें पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ अर्निंग सर पैसा कितना आ रहा है मोदा अर्निंग मोदा चांस दो डिविडेंड जितनी अर्निंग बढ़ेगी डिविडेंड के चांस उतने ज्यादा हैं तो बिल्कुल है हमें उस पर ध्यान रखना पड़ेगा स्टेबिलिटी अर्निंग सर स्टेबल अर्निंग बोलूँ और अमाउंट ऑफ अर्निंग बोलूँ दो अलग चीजें एक इनकम है जो फ्लक्चुएट होती रहती है वो एक इनकम है जो आने ही आनी कन्फर्म है कि ये इनकम आएगी, आएगी आएगी आपको उसे स्टेबल अर्निंग बोलते हैं हम स्टेबल अर्निंग हमेशा एक रेगुलर डिविडेंड की होप क्रिएट करती है नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंट अभी डिविडेंड स्टेबल है सर अर्निंग स्टेबल होना और डिविडेंड स्टेबल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड अपने स्टेक होल्डर्स को देती है कंपनी का अच्छा खासा नाम है मार्केट के अंदर वो अपने हिसाब से काम कर रही है उस पर रूल आउट करना आपने जाम टू नेक्स्ट वन ग्रोथ ऑपर्चुनिटीज अगर ग्रोथ ऑपर्चुनिटी ज्यादा है तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगी और रिटेन अर्निंग बढ़ी तो डिविडेंड कम होगा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है जितनी ग्रोथ की चांसेस ज्यादा होंगे उतना कंपनी रिटेन अर्निंग को बढ़ाएगी कंपनी बिजनेस वैसे इन्वेस्ट करेगी और बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करेगी तो स्टेक होल्डर्स को काम देगी ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाए नेक्स्ट कैश फ्लो पोजिशन ये हमेशा काउंट होता है वेदर कैपिटल बजटिंग वेदर फाइनेंसिंग और वेदर

कहता है टैक्सेशन पॉलिसी दिस समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड यू यूज हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट टैक्सेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती जिसको आपको मुझे हम सबको लेके चलना है समझेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे देन वी हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट वॉट इज न एक्सेस टू कैपिटल मार्केट सर मार्केट में कितना पैसा लगा हुआ है कैसे काम किया जाता है चीजें कैसे कर रही है काम उसको फॉलोअप करना है उसको समझना जरूरी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम चीजों को कैसे क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं आपके लिए एंड हाउ यू डील विद इट लीगल कॉन्स्टेंट्स लीगल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाया उनको फॉलो है उनको समझना आपने एंड द लास्ट और द लीस्ट कॉन्टेक्चुअल कॉन्स्टेश कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेशन जहां हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं मार्केट में पैसे को इम्प्लीमेंटेशन के साथ यूज करना तो ये वो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखते हैं फॉर बिजनेस फाइनेंस इट्स अ फर्स्ट यूनिट ऑनर फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इसकी तीन से चार क्लासेज और मिलेंगी आपको तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा जिसको आप लोग अच्छे से ऑन टिप कर चलेंगे यस yes, एक सीरीज शुरू किया जिसको हम बिजनेस विद राहुल शर्मा यू गाइस नीड टू फॉलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इमीजिएटली ताकि सारे वीडियोज आपको मिल जाए कैच यू वेरी सोन